Hello students, today we will discuss about hematological disorders in pregnancy and our topic is anemia. Anemia kya hota hai dekhte hain. Anemia is the most common medical disorder in pregnancy. Anemia pregnancy ka ek most common medical disorder hai, theek hai. तो एनीमिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर 20% चांसेस है मैटरनल डेथ के लिए. 20% रेस्पॉन्सिबल होता है एनीमिया मैटरनल डेथ के लिए, ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब एचबी कंसंट्रेशन होता है वो 11 ग्राम पर डीएल से कम हो और हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो 33% से कम हो तो उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं इन प्रेगनेंसी, ठीक है. प्रेगनेंसी के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि एचबी 11% से कम एंड हीमेटोक्रिट 33% से कम. अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन, एनीमिया को किस कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है. सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एनीमिया एंड सेकंड पैथोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है. तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया में तो जो एनीमिया जो प्रेगनेंसी के कारण जो प्रोड्यूस होता है एनीमिया वो होता है कि प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी में ही ये एनीमिया देखा जाता है. और पैथोलॉजिकल एनीमिया में क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हुई या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन B12 या प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड हेमरेजिक एनीमिया. हेमरेजिक कंडीशन में भी एनीमिया देखने को मिलता है, जैसे एक्यूट में तो एंटीपार्टम हेमरेज एंड क्रोनिक में जैसे इन्फेक्शन होते हैं, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, ब्लीडिंग, पाइल्स, इन सब की वजह से एनीमिया होता है. देन हेरिडिट्री, हेरिडिट्री में जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या हेरिडिट्री हिमोलाइटिक एनीमियाज आते हैं, जैसे जिनमें आरबीसी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट पाया जाता है. देन बोन मैरो इनसफिशियंसी, बोन मैरो इनसफिशियंसी के कारण भी एनीमिया होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हाइपोप्लेसिया या फिर एप्लेसिया, जिसमें क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड होती हैं इसमें जो सेल्स बनाता है बोन मेरो वो अंडर डेवलप या फिर डेवलप होती ही नहीं है वो, क्यों, ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण हो सकता है ये या फिर कोई ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, जैसे एस्पिरिन या एंडोमिथासिन की वजह से. एनीमिया ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से जो एनीमिया हो, जैसे मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से. क्रोनिक डिजीज़ जैसे रीनल डिजीज़ में भी एनीमिया देखने को मिलता है. कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, अब फिजियोलॉजिकल एनीमिया का क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं. इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी वॉल्यूम एंड एचबी मास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मींस क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी वॉल्यूम एंड एचबी दोनों तीनों का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है. डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी में मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आयरन की, एक्स्ट्रा आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मदर को भी चाहिए और बेबी को भी चाहिए, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है. और जो डाइट में जो एडिक्वेट डाइट जो ले रहे हैं उसके अंदर जो कैन एक्स्ट्रा एडिक्वेट डाइट कैन नॉट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ आयरन, मतलब जो एडिक्वेट डाइट जो लेडी लेती है उसके अंदर जो आयरन जो ले रही है वो जो एक्स्ट्रा डिमांड जो उसकी बॉडी मांग रही है वो पूरा नहीं कर पाती है एडिक्वेट डाइट भी, तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी बनी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे. आयरन की डेफिशिएंसी बनी रहती है जिस वजह से क्या होता है कि डिक्रीज एचबी कंसंट्रेशन और एचबी का आयरन की कमी की वजह से एचबी का कंसंट्रेशन भी कम होता है और हीमेटोक्रिट वैल्यू भी कम हो जाती है, स्पेशली इन सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी में.
तो उस वजह से क्या होता है, लो सीरम आयरन, तो लो सीरम आयरन और इंक्रीज आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की वजह से और इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से एनीमिया कोज होता है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। और देखते हैं हीमोडाइल्यूशन, प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन मेनली देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो उसके अंदर आरबीसी भी इंक्रीज होगी, लेकिन आरबीसी उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितना प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हीमोडाइल्यूशन बोलते हैं और इसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया भी बोलते हैं। तो हीमोडाइल्यूशन एंड जो नेगेटिव आयरन इम्बेलेंस हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों की कंडीशन को मिला के जो प्रेगनेंसी के टाइम में एच बी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। सीवियरिटी ऑफ एनीमिया देखते हैं, लेस देन 11 ग्राम पर डीएल तो एनीमिया को डिफाइन किया गया है, लेकिन उसमें भी माइल्ड एनीमिया जो है वो 9 टू 10.9 ग्राम को रखा गया है। मॉडरेट एनीमिया किसको कहा गया, 7 टू 8.9 ग्राम को, और सीवियर एनीमिया लेस देन 7 ग्राम पर डीएल को, एंड वेरी सीवियर एनीमिया जो है वो लेस देन 4 ग्राम पर डीएल को कहा गया है। अब देखते हैं फैक्टर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले है इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, मींस आयरन की डिमांड इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज डिमांड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में डिमांड इंक्रीज होती है क्योंकि बेबी भी डेवलप हो रहा है, उसको भी आयरन चाहिए, ठीक है, और मदर को भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। एन एडिक्वेट डाइट कंटेन नॉट मोर देन 18 to 20 mg ऑफ आयरन, एक एडिक्वेट डाइट जो होती है उसमें जो एडिक्वेट अमाउंट का जो आयरन है वो हमें नहीं मिल पाता है, ओनली 18 to 20 mg तक आयरन उसमें रहता है। एब्जॉर्प्शन रेट इज इंक्रीज सो डिमांड इज हार्डली फुलफिल। सेकेंड है डिमिनिश इनटेक ऑफ आयरन, आयरन का इनटेक कम क्यों हो जाता है, ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, किसी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, जिसको कोई प्रॉपर फूड ना मिल पाए, ठीक है, तो इस वजह से आयरन की इनटेक कम हो जाता है, या फिर फाल्टी डाइट्री हैबिट्स। फाल्टी डाइट्री हैबिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई लो बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी डाइट्स जो होती हैं, जैसे राइस बीन्स वीट वगैरह, ये सब वो नहीं ले डाइट में, या फिर जो ये मीट फीस पोल्ट्री या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो उसकी डाइट में, या फिर पाइका की वजह से हो सकता है, ठीक है, मिट्टी वगैरह खाती हूँ वूमेन, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो किसी वजह से, भूख नहीं लगती हो तो वो खाना कम खाएगी और आयरन का इंटेक भी कम होगा। और नोजिया वोमिटिंग, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है उसमें भी आयरन की कमी हो जाएगी। डिस्टर्ब, थर्ड है डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इन्फेक्शन लाइक हेलमेंथीस हुकवर्म एमीबियासिस सीलियक डिजीजेस। मतलब क्या होता है कि जो ये इन्फेक्शंस होते हैं हुकवर्म एमीबियासिस, ये सब क्या करते हैं कि जो खाना है उसको उसके एब्जॉर्प्शन को ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं डिफेक्ट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होने देते, हाँ, ठीक है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक ब्लड लॉस भी देखने को मिलता है, इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फोर्थ है प्री प्रेग्नेंट हेल्थ स्टेट, मतलब प्रेगनेंसी से पहले की क्या स्टेट है उसकी, जैसे उसके प्रेगनेंसी से पहले ही अगर उसको एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम में भी उसके इनएडिक्वेट आयरन रिजर्व होता है उसमें, मतलब उसकी बॉडी में इनएडिक्वेट मतलब एडिक्वेट आयरन उसमें नहीं होता है, तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। देन फिफ्थ है एक्सेस डिमांड,
ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सेस डिमांड हो सकती है, या फिर एक्सेस डिमांड, आयरन की एक्सेस डिमांड किस किस कंडीशन में और देखने को मिल सकती है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है ना, एक से ज़्यादा फीटस है तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस को ग्रो करने के लिए आयरन चाहिए। या फिर रिकरिंग प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी हो रही है, जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी ठीक है एनीमिया देखने को मिलता है। और रिकरेंट एबोर्सन हो रहा है, ठीक है, बार बार ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस वजह से भी ठीक है मेनोरेजिया या फिर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंक्रीज हो रहे हैं। देन ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक्सेस डिमांड मतलब मेनोरेजिया की कंडीशन में भी क्या होता है कि एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड व्हाट इज़ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हेन बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ HB, ठीक है, एंड HB, देन HB क्या होता है, HB एक RBC का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू होल बॉडी। देन इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स से पहले देखते हैं हम कि जो प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो कब कब होती है, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टोटल आयरन रिक्वायरमेंट होती है 800 to 1000 mg की, एक्स्ट्रा आयरन टोटल जो आयरन है उससे एक्स्ट्रा 800 to 1000 mg रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, जिसमें से 300 माइक्रोग्राम होता है वो फीटस या प्लेसेंटा के लिए चाहिए होता है, और उसके बाद में 400 to 500 mg होता है वो जो रेड सेल मास इंक्रीज हुआ है उसके लिए चाहिए, और 200 mg बेसल लॉसेस जैसे डिलीवरी के टाइम पे, परप्यूरियल के टाइम पे जो ब्लड लॉस होगा उसके लिए चाहिए। देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी एंड जेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब क्लिनिकल फीचर्स किस पर डिपेंड करते हैं कि एनीमिया कितने समय से हो रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है, या फिर प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल एज क्या है। तो पहले सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं, माइल्ड एनीमिया यूजुअली एसिम्टोमेटिक, माइल्ड एनीमिया ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है। मॉडरेट एनीमिया में क्या क्या कंडीशन, क्या क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलेगी, फैटिक, लेसिट्यूट मतलब सुस्ती, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन, ये सब मॉडरेट एनीमिया में देखने को मिलेगा। देन सीवियर में क्या क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन, टेकीकार्डिया, ब्रीथलेसनेस, या फिर जनरलाइज एडिमा देखने को मिल सकता है। अब साइन देखते हैं कि साइन में क्या क्या देखें, क्या दिखेगा पेशेंट में साइन, नो साइन इन माइल्ड एनीमिया, ठीक है, पेलर, नेल चेंजेस, पेलर दिखेगी पेशेंट, नेल्स उसके चेंज दिखेंगे, डिप्रेस्ड नेल दिखेंगे उसके, चिलोसिस होगा, चिलोसिस मीन कॉर्नर ऑफ माउथ की क्रैकिंग होना, ग्लोसाइटिस होगा, स्टोमेटाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, एडिमा होगा, या सिस्टोलिक मर्मर भी देखने को मिलेगा, साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड एंड HB एंड ऑक्सीजन, तो हार्ट को प्रॉपर HB और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में डिफेक्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं अब इसके, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, ठीक है, उसकी करंट हिस्ट्री या फिर पास्ट हिस्ट्री, जिसमें कि और फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, जिसमें फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो तो हेरिडिटरी कंडीशन हो सकती है, या फिर
जो करंट हिस्ट्री है उस वो उसकी देखेंगे, उसकी उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे, उसके मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको वो पूछेंगे उससे, और पास्ट में देखेंगे कि पास्ट उसके पहले की प्रेगनेंसी में ऐसी कोई कंडीशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। फिर एच बी मेजरमेंट करेंगे, उसका एच बी लेवल देखेंगे। देन पेरिफेरल ब्लड फिल्म, इसमें क्या करते हैं कि एक ब्लड स्मीर स्लाइड देखते हैं, स्टेन विद लेसमान स्टेन, लेसमान स्टेन के थ्रू एक स्टेनिंग करके देखते हैं, जिसके अंदर जो आरबीसी को देखते हैं हम, उसकी साइज शेप देखी जाती है। तो जिसमें क्या होता है कि जो आरबीसी की जो नॉर्मल साइज होती है उसको नॉर्मोसाइटिक बोलते हैं, और नॉर्मल कलर होता है आरबीसी का उसको नॉर्मोक्रोमिक बोलते हैं। लेकिन जो एनीमिया है उसमें हमको माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलती है। जैसे आरबीसी की साइज कम होगी या फिर आरबीसी का कलर भी कम होगा। और क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, आरबीसी की साइज शेप, साइज में भी उसके वेरिएशन होंगे बहुत सारे, और उसके शेप में भी वेरिएशन होंगे, जिसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं या फिर पिकिलोसाइटोसिस। थर्ड है रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं, वो इंक्रीज मिलेगा, हीमेटोक्रिट लेवल डिक्रीज मिलेगा, और हीमेटोलॉजिकल इंडिकेशन जैसे डिक्रीज द एमसीवी एचसीएच एंड एमसीएचसी लेवल भी डिक्रीज मिलेगा। तो ये एमसीवी क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हेमरेज, एंड एमसीएचसी क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हेमरेज कंसंट्रेशन। और उसके अलावा और क्या देखेंगे हम इसमें, आरबीसी काउंट भी देखेंगे कि आरबीसी का काउंट भी हमें डिक्रीज मिलेगा, और या फिर सीरम आयरन देखेंगे, सीरम आयरन का लेवल भी डिक्रीज मिलेगा। नॉर्मल सीरम आयरन का लेवल 60-120 माइक्रोग्राम पर डीएल होता है, लेकिन इसमें हमको लेस देन 30 माइक्रोग्राम पर डीएल देखने को मिल सकता है। या फिर सीरम फेरिटिन देखेंगे, सीरम फेरिटिन का लेवल भी डिक्रीज मिलेगा। सीरम फेरिटिन क्या करता है कि आयरन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इसका लेवल कम होगा तो आयरन का लेवल भी कम होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज मिलेगी। सिर्फ ये एक चीज़ ही हमको इंक्रीज मिलेगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। देन बोन मेरो का एग्जामिनेशन करेंगे, बोन मेरो का एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो में ही होता है, तो उसमें बोन मेरो में कोई डिफ़िकल्टी ना हो उसके प्रोडक्शन में, तो वो देखेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं, ओकल्ट ब्लड देख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से, जैसे उकवर्म की वजह से, उन सबसी वजह से हो तो ओवा दिख सकता है, या सिस्ट या पैरासाइट हमको दिख सकता है। यूरिन एग्जामिनेशन भी करेंगे, यूरिन में भी आरबीसी कास्ट दिख सकती है, ठीक है। और उसके अलावा और कौन कौन से अदर टेस्ट भी करेंगे, जैसे स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे ना, जो कोई और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो उसकी टीबी की वजह से हो तो उसके लिए स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे, ये भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फाइंड आउट करने के लिए। यूरिन कल्चर देखेंगे, यूरिन कल्चर क्यों करेंगे, फॉर एनी यूटीआई या फिर रिनल पैथोलॉजी के लिए, ये और रिनल फंक्शन टेस्ट। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो मदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एनीमिया का, प्री टर्म लेबर हो सकता है, ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया देखने को मिल सकता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, इंटरकरंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, कार्डिक फेलियर हो सकता है। कार्डियक फेलर क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर पहले से ही हार्ट क्या होता है, वीक है, क्योंकि उस हार्ट को एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हार्ट वीक है।
ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि डिलीवरी के बाद में हार्ट क्या होगा कि जो यूट्रस की तरफ सप्लाई हो रहा था वो ब्लड हार्ट की तरफ सप्लाई होगा अब सारा, ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ेगा, तो उस लोड की वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, क्योंकि उस लोड को झेलने के लिए हार्ट उतना स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है। पीपीएस देखने को मिल सकता है पेशेंट में, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है, पीपीएस की वजह से शॉक हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो इन सब का क्या कारण है? लो एचबी इन ब्लड, ठीक है, एचबी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यूट्रस है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा डिलीवरी के बाद में, उसके कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो पीपीएच का भी कारण बनता है और सब इन्वोल्यूशन का भी कारण बनता है। पर्पुरियल सेप्सिस देखने को मिलेगा, पर्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा और फेलियर ऑफ लैक्टेशन। फीटल पे क्या क्या डिफेक्ट पड़ेगा एनीमिया का? फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ तो रेस्ट्रिक्ट होगा ही, इंट्रा यूटेराइन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू हाइपोक्सिया, इंक्रीज पेरिनेटल मोर्टेलिटी, आयरन डेफिशिएंसी इन फीटस, फीटस में भी अगर मदर में आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वो फीटस को कैसे सप्लाई करेगी, तो फीटस में भी आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डिसफंक्शन ऑफ बेबी, ठीक है, तो आयरन एंड फोलिक एसिड की वजह से कॉग्निटिव और अफेक्टिव डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है फीटस में। हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आयरन रिच फूड दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, जैसे जैगरी या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें पालक ज़्यादा हो, लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है, ये सब सीरियल्स, स्प्राउट्स, ये सब, ठीक है। और मेनली क्या होता है कि अगर खाने को आयरन के बर्तन में बनाया जाए तो भी आयरन हमको मिलता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? अवॉइड कॉफ़ी और टी, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में जो इंटरफेयर करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? आयरन फोलेट सप्लीमेंट, आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट कर सकते हैं। आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट क्या है कि जो गर्ल्स हैं उनमें एडोलेसेंट एज में या प्री प्रेग्नेंट वुमेन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर एनीमिया की कंडीशन ना हो, उसे प्रिवेंट किया जा सके। देन है ट्रीटमेंट ऑफ हुकवर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन का भी अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। इनको एल्बेंडाजोल की सिंगल डोज से इनको ट्रीट किया जाता है या फिर मेबेंडाजोल से। उसके बाद में क्या है? आयरन सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन सप्लीमेंट करना चाहिए। तो इसमें WHO ने क्या क्या रिकमेंड किया है? प्रेगनेंसी के टाइम 60 mg एलिमेंट आयरन एंड 250 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड वंस डेली फॉर 6 मंथ, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो, क्या कर सकते हैं? एंटीनेटल केयर, जो उसका एंटीनेटल पीरियड है उसमें वुमेन को रेगुलरली HB चेक करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। देन इंटरमिटेंट सप्लीमेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि वीकली या फिर बाई वीकली सप्लीमेंटेशन दिया जाता है ओरल आयरन्स का। उसके बाद में ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, तो जनरल ट्रीटमेंट में क्या है कि डाइट, पेशेंट को प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, बैलेंस डाइट रिच विद प्रोटीन आयरन एंड विटामिन्स, ठीक है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेज फ्रूट्स वगैरह, ये सब, ठीक है, टू इम्प्रूवमेंट द
appetite and facilitate digestion. तो क्या होता है कि जो वुमेन की एपेटाइट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको कुछ मेडिसिन दी जा सकती है, या फिर उसके डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कुछ दी जा सकती है, या फिर एंटीबायोटिक थेरेपीज भी दे सकते हैं पेशेंट को, किसी अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए. अब देखते हैं ओरल आयरन थेरेपी. ओरल आयरन थेरेपी में क्या है, 200 mg एलिमेंट आयरन विद 1 mg फोलिक एसिड पर डे, ठीक है, ये दे सकते हैं पेशेंट को, फॉलोड बाय 100 mg पर डे एज मेंटेनेंस थेरेपी अंटिल 3 months ऑफ डिलीवरी, ठीक है. तो ये 200 mg एलिमेंट आयरन विद 1 mg फोलिक एसिड, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम पे देना है, और ये जो उसके बाद में डिलीवरी के 3 months के बाद में भी 100 mg पर डे आयरन उसको देते रहना है फॉर मेंटेनेंस थेरेपी. टेक ए ऑरेंज जूस, और ये जो आयरन थेरेपी है उसको सिट्रस फ्रूट या फिर विटामिन सी के साथ देना चाहिए फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन. इंडिकेशन टू रेस्पॉन्स टू थेरेपी, जो हमने ओरल थेरेपी दी है तो उसका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे फीलिंग ऑफ वेलनेस, पेशेंट को अच्छा लग रहा है अब, इम्प्रूवमेंट लुक ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट दिखने में भी अब अच्छी दिख रही है, लुक अच्छा आ रहा है उसका, बेटर एपेटाइट, उसकी भूख बढ़ गई है और एच बी भी इंक्रीज हुआ है. रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की क्या रेट होगी, ये जो ओरल थेरेपी दी है हमने उसके 3 weeks के अंदर अंदर हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है. और अगर ये फेलियर होती है ओरल थेरेपी तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इनएक्यूरेट डायग्नोसिस, हमारा डायग्नोसिस ही इनएक्यूरेट है, ठीक है, हमने अच्छे से डायग्नोसिस नहीं किया है कि किस टाइप का एनीमिया है, या फिर फॉल्टी एब्जॉर्प्शन, या फिर एब्जॉर्प्शन में ही फॉल्ट है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर कंटिन्यूस ब्लड लॉस हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन में ही कमी हो रही है. उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कंडीशन में आयरन थेरेपी नहीं दी जाती, इंटॉलरेंस ऑफ आयरन ओरली, मतलब ओरली पेशेंट आयरन लेने में इंटॉलरेंस है, वो नहीं ले पाती आयरन, सीवियर एनीमिया इन एडवांस प्रेगनेंसी, मतलब एडवांस प्रेगनेंसी मतलब जो थर्ड ट्राइमेस्टर है या फिर जो डिलीवरी के पास में उसकी लेबर डेट आ रही है उसके पास में हम ओरल आयरन थेरेपी देके उस एनीमिया को ट्रीट नहीं कर सकते. और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ओरल आयरन थेरेपी के, नोजिया, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. उसके बाद में देखते हैं इसके पेरेंट्रल थेरेपी, पेरेंट्रल आयरन थेरेपी. पेरेंट्रल आयरन थेरेपी में क्या होता है, यूज इन केस ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ ओरल थेरेपी इन टॉलरेटेड, जब ओरल थेरेपी के साइड इफेक्ट देखने को मिले या फिर ओरल थेरेपी इनटॉलरेटेड है पेशेंट के लिए, उस कंडीशन में पेरेंट्रल आयरन थेरेपी देते हैं. इसमें क्या देते हैं, आयरन जो इंजेक्शन होते हैं वो देते हैं पेशेंट को फॉर पेरेंटल यूज, जैसे कि सुक्रोज है या फिर आयरन कार्बोक्सी है या फिर आयरन माल्टोज है, ये सब. तो इनको देने के लिए डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वेट इन केजी इनटू आयरन डेफिसिट इनटू 2.2 इनटू 1000 mg. रेस्पॉन्स, अब आपने ये जो पेरेंटल आयरन थेरेपी है ये मतलब इसमें अपने को बेनिफिट देखने को मिल रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, बाय इंक्रीज इन HB लेवल 1 g/week, ठीक है, इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट विद 5 to 10 days, क्लिनिकल सिम्टम्स इम्प्रूव्ड, ब्लड. उसके बाद में इन सब से भी अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है, एनीमिया अगर ट्रीट नहीं होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या इंडिकेट होते हैं, जैसे सीवियर एनीमिया में, अगर वो सीवियर एनीमिया हमको 36 weeks ऑफ जेस्टेशन के बाद में देखने को मिल रहा है, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज में,
जिसमें एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर किसी एसोसिएटेड इन्फेक्शन के कारण, या फिर पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड टू ओरल और पेरेंटल थेरेपी। केयर इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी में कैसे केयर करेंगे एनीमा की कंडीशन में, एनीमिया की कंडीशन में, प्रेगनेंसी लेस देन 30 वीक। जब प्रेगनेंसी लेस देन 30 वीक की है तो उसमें क्या करेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओरल देंगे, ठीक है, ओरल थेरेपी। अगर इनटॉलरेंस है तो आईएम या फिर आईवी, ठीक है। फोलिक एसिड देंगे उसको ओरल फोलेट थेरेपी के थ्रू। उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी 30 to 36 वीक की है तो उसमें आयरन उसमें कैसे करेंगे, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो पेरेंटल आयरन देंगे उसको आईएम या फिर आईवी, और साथ ही फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो ओरल और आईएम फोलिक एसिड देंगे। और अगर प्रेगनेंसी मोर देन 36 वीक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ लेबर, लेबर में कैसे मैनेजमेंट करेंगे। लेबर शुड बी सुपरवाइज्ड, डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट अच्छे से सुपरवाइज्ड होनी चाहिए लेबर के टाइम पे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन उस समय आ सकती है इसीलिए, है ना। और प्रॉपर काउंसलिंग एंड कंसेंट शुड बी टेकन, प्रॉपर उसको काउंसलिंग करनी है और कंसेंट भी लेना है, क्योंकि वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है एनीमिया की कंडीशन, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। ब्लड क्रॉस मैच, अगर ब्लड सीवियर हेमरेज हो गया और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज की कंडीशन है तो ब्लड क्रॉस मैच के लिए पहले से रखा होना चाहिए अपने पास में। प्रॉप्ड अप पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन प्रॉप अप रखनी चाहिए। इंटरमिटेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई देनी चाहिए पेशेंट को, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है उसमें। और प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन या फिर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन का यूज करने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक भी देनी चाहिए, ठीक है, किसी इन्फेक्शन को बचाने के लिए। प्रॉपर आईवी लाइन, मतलब पेशेंट में प्रॉपर आईवी लाइन रखनी है, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में कोई भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है उस कंडीशन में, लेकिन आईवी फ्लूड्स नहीं देने पेशेंट को, ठीक है। देन सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है। सेकेंड स्टेज कट शॉर्ट बाय फोर्सेप एंड वेंटोस, मतलब जो सेकेंड स्टेज है तो सेकेंड स्टेज क्या होते हैं, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर फिटल डिलीवरी तक, तो उस वो स्टेज हमको बहुत, मतलब उसको कट शॉर्ट करना है हमको, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि पेशेंट की उतनी कंडीशन नहीं है उस फोर्सफुल कंडीशन को झेलने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके हार्ट पे भी जोर पड़ेगा। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का भी एक्टिव मैनेजमेंट करना है। ऑक्सीटोसिन मेसोप्रोस्ट कैन बी गिवन आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, फॉर प्रिवेंट हेमरेज। मिथार्जिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इसमें। आईवी फ्रूसेमाइड देते हैं आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ये कार्डियक लोड को डिक्रीज करेगा और जो हार्ट फेलियर है के चांसेस होते हैं उसको भी